नरेंद्र मोदी की कुल संपत्ति कितनी है, उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर कितनी सैलरी मिलती है, उनके पास कितने बंगले और गाड़ी हैं, कितना पैसा और धन दौलत नरेंद्र मोदी ने जमा किया हुआ है, बैंक में उनके कितने पैसे जमा है, उन्होंने अपने पैसे कहां कहां पर निवेश किए हुए हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी ने कोई लोन भी लिया हुआ है, जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। बस आप बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार नरेंद्र मोदी के बारे में आज लोग हर छोटी बड़ी बात जानना चाहते हैं। वो कहां जाते हैं, क्या खाते हैं, दिन भर क्या करते हैं, किस किस से मिलते हैं, उनके हर कदम की जानकारी मीडिया द्वारा जनता तक पहुंचाई जाती है। नरेंद्र मोदी पिछले 9 सालों से भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं और इससे पहले 13 सालों तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में उनका नाम सबसे आगे है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि 2 दशक से अधिक समय तक संवैधानिक पद पर रहने वाले नरेंद्र मोदी ने तो अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया होगा, क्योंकि आज भी लोगों को यही लगता है कि राजनीति पैसा कमाने का एक जरिया है और नरेंद्र मोदी ने भी पिछले कई सालों में ढेर सारा पैसा कमाया होगा। लेकिन असल में नरेंद्र मोदी ने पिछले 21 सालों से पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। उनके ऊपर आज तक कभी धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की आज तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे बेदाग छवि वाले राजनेता बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। नरेंद्र मोदी तन मन धन से पूरी तरह जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। उनके समर्पण का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2014 से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। नरेंद्र मोदी भले ही देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनका रहन सहन काफी सादगी भरा है। वो अन्य नेताओं की तरह फिजूल खर्चा करने पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी की कुल संपत्ति की बात करें तो उनके पास कुल 2,23,82,504 रुपए की संपत्ति मौजूद है और यह सभी संपत्ति चल संपत्ति है। यह जानकारी पीएमओ कार्यालय की ओर से दी गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि नरेंद्र मोदी के पास कोई भी अचल संपत्ति मौजूद नहीं है। हालांकि 2 साल पहले तक उनके पास एक अचल संपत्ति भी थी, लेकिन उन्होंने वो संपत्ति दान में दे दी है। साल 2021 में नरेंद्र मोदी के पास कुल 1,41,00,000 रुपए की चल संपत्ति और 1,10,00,000 रुपए की अचल संपत्ति मौजूद थी। पिछले 1 साल के दौरान उनकी संपत्ति में 26,13,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर साल 2002 में गुजरात के गांधीनगर के सेक्टर 1 में प्लॉट नंबर 401 खरीदा था। उस प्लॉट का साइज 3,531 वर्ग फीट था। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्हें वो जमीन केवल 1,30,000 रुपए में मिल गई थी। पिछले साल उस जगह की कीमत 1,10,00,000 रुपए हो गई थी और उन्होंने वो जगह गरीबों में दान करने की घोषणा कर दी थी। आज के समय में नरेंद्र मोदी के पास कोई भी घर, बंगला या प्लॉट मौजूद नहीं है। कैश की बात करें तो उनके पास 35,250 रुपए हैं। पिछले 8 सालों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो उनके पास हर साल 35,000 से 40,000 रुपए कैश के रूप में रहते हैं। बाकी सारा पैसा उनके बैंकों में जमा है। नरेंद्र मोदी का अकाउंट गांधीनगर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। साथ ही पोस्ट ऑफिस में भी उनका खाता मौजूद है, जिसमें 9,05,105 रुपए जमा है। नरेंद्र मोदी ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी निवेश किया हुआ है, जिसकी कीमत 1,89,305 रुपए है। पहले मोदी जी के पास एक टैक्स सेविंग बॉन्ड भी मौजूद था, जिसकी कीमत 20,000 रुपए थी। वो बॉन्ड उन्होंने 12 जनवरी साल 2012 में खरीदा था, जिसे उन्होंने बेच दिया है। और राष्ट्रीय बचत पत्र भी उन्होंने 7,61,000 रुपए का निवेश किया हुआ था, लेकिन ये भी उन्होंने कैश करा लिया था। इस तरह मोदी जी के पास अब कोई भी बॉन्ड, शेयर या म्यूचुअल फंड मौजूद नहीं है। शायद ही दुनिया में कोई इतना बड़ा नेता होगा जिसके पास अपनी खुद की कार ना हो। नरेंद्र मोदी के पास अपनी खुद की कार तक मौजूद नहीं है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने जमीनी स्तर से जुड़े हुए राजनेता है। नरेंद्र मोदी के पास 4 सोने की अंगूठी मौजूद है, जिनका कुल वजन 45 ग्राम के आसपास बताया जाता है और उन अंगूठियों की कीमत आज के समय के हिसाब से 2.5 लाख रुपए के आसपास होती है। ये अंगूठियां उनके पास काफी पहले से ही मौजूद है और पीएम बनने के बाद उन्होंने कोई भी नया सोना नहीं खरीदा है। नरेंद्र मोदी की लायबिलिटीज की वैल्यू भी 0 है। उन्होंने पर्सनल लोन, हाउस लोन या अन्य लोन भी लोन या कर्जा नहीं लिया हुआ है। प्रधानमंत्री बनने के बाद साल 2015 में जब नरेंद्र मोदी की संपत्ति का ब्यौरा जारी किया गया था तो उनके पास कुल 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति मौजूद थी और पिछले सालों में उनकी संपत्ति 1.5 करोड़ से बढ़कर केवल 2,23,00,000 तक ही पहुंच पाई है। नरेंद्र मोदी की सैलरी की बात करें तो प्रधानमंत्री पद के तौर पर उनकी सैलरी 2 लाख रुपए महीना है, जिसमें उनकी इन हैंड सैलरी 1,60,000 रुपए। इसमें 50,000 की बेसिक सैलरी, 45,000 निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, प्रतिदिन भत्ता 2,000 रुपए और 3,000 व्यय भत्ता शामिल है। कोरोना काल के दौरान नरेंद्र मोदी जी सहित कई नेताओं और मंत्रियों ने अपनी सैलरी में 30% कटौती भी की थी, जिससे देश को कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में मजबूती मिल सके। ऐसे महामारी के समय में छोटे छोटे योगदान भी काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। आप में से शायद बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यदि नरेंद्र मोदी के पास अपना खुद का घर नहीं है और कल को वो प्रधानमंत्री नहीं रहते तो वो कहां पर रहेंगे। असल में प्रधानमंत्री बनने वाले शख्स को कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती है, जिसमें आजीवन रहने के लिए घर, 5 साल की मुफ्त ट्रेन यात्रा और आजीवन पेंशन की सुविधा शामिल होती है। नरेंद्र मोदी ने आज वैश्विक स्तर पर भारत का कद कई गुना बढ़ा दिया है। आज भारत की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में की जाती है और विश्व के सभी बड़े और शक्तिशाली देश भारत को अपना मित्र बताते हैं। G20 समिट में पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी। भारत की इस छवि के लिए नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। 17 सितंबर सन 1950 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म हुआ था। उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की ठेली लगाते थे और कम उम्र में ही नरेंद्र मोदी ने भी अपने पिता के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का विवाह यशोदा बाई के साथ हुआ था। हालांकि ये जोड़ी शादी के कुछ समय बाद ही अलग रहने लगी। सन
सन 1971 में मोदी जी ने RSS ज्वाइन की और यहीं से उनकी देश सेवा की असली कहानी की शुरुआत होती है। कई सालों तक वो RSS के साथ जुड़े रहे। साल 2001 में उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान मोदी जी ने गुजरात को कामयाबी के शिखर तक पहुंचा दिया। हालांकि साल 2002 में गोधरा कांड के बाद विपक्षी नेताओं ने उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की, लेकिन उनके व्यक्तित्व के आगे विपक्षी नेताओं का कद काफी छोटा नजर आता था। साल 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बने और अब तक कई योजनाएं वो चला चुके हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, सौभाग्य योजना, मुद्रा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, आयुष्मान भारत योजना और आवास योजना। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए देश के प्रत्येक नागरिक को सफाई के प्रति मोदी जी ने जागरूक किया है। मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसी स्कीम से देश आज आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। मोदी के कार्यकाल में देश की सैन्य शक्ति भी काफी मजबूत हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में दिया है। GST और नोटबंदी जैसे कई बड़े कदम भी लिए गए हैं। आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी और भारत देश के नारे गूंजते नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये थी नरेंद्र मोदी की संपत्ति और उनकी धन दौलत से जुड़ी सारी जानकारी। आप चाहे मोदी जी की नीतियों को पसंद करें या ना करें, लेकिन उनके व्यक्तित्व में कमी नहीं निकाली जा सकती। वो भले ही देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन सादा जीवन, उच्च विचार को उन्होंने अपनी जीवन का मूल मंत्र बना लिया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और साथ ही नरेंद्र मोदी के बारे में अपने विचार हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।